हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। तो मैं हूं सोनम जैन और चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री एमएससी सिलेबस। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, देखते हैं इसमें कितने पेपर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पेपर फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और देन ये होगा आपका 50 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का सीसीए कॉलेज के अकॉर्डिंग और 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा, और बाकी पेपर भी इसी के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा पेपर होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, चौथा पेपर होगा आपका ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड फिफ्थ पेपर होगा मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट, बायोलॉजी ऑफ केमिस्ट। और प्रैक्टिकल देखेंगे हम तो प्रैक्टिकल भी 3 होंगे आपके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल, 33, 33, 34, यानी कि ओवरऑल ये सेमिस्टर है आपका 30, यानी कि आपका 350 मार्क्स का। चलिए अब सबसे पहले पेपर फर्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा था आपका पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। यूनिट नंबर 3, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यूनिट नंबर 4, मेटल लिगेंड बॉन्ड। यूनिट नंबर 5, एच एस ए बी थ्योरी, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। और ये पेपर आपको कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर सजेस्ट बुक आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, 1 से लेकर 6 तक जो बुक राइटर, बुक नेम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन बुकों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, आपको काफी अच्छे नंबर गेन होंगे। पेपर नंबर सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यूनिट नंबर 2, स्टीरियो केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस एंड लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। यूनिट नंबर 4, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। यूनिट नंबर 5, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अब कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए आपको, ये वाला पेपर तो ये यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक जो बुक्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। आपको सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरी में बुक्स मिल सकती है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, एक और स्पेशल बात, ओल्डर्स पेपर जो आपके 2017-18 और भी बहुत सारे ईयर्स 16-2019 इनके पेपर भी अवेलेबल है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, देन आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं पूरे पेपर देखने के लिए। और पेपर नंबर 3, फिजिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्ट। यूनिट नंबर 2, एप्रोक्सीमेट मेथड्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम। यूनिट नंबर 4, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। यूनिट नंबर 5, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। अब ये पेपर आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए आपको, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 बुक सजेस्ट की है मैंने आप लोगों को। ये सब हायर एजुकेशन के द्वारा ही सजेस्ट की गई है। आप इन बुकों को पढ़कर ये वाला फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और बहुत अच्छे राइटर्स हैं, इनकी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। चलिए लास्ट आ जाता आपका पेपर नंबर जो 4 है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 2, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 3, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 4, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो हमने आपको 10 बुक्स सजेस्ट की है, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है GM हॉल्स की, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है वैसे। और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं आप जिनसे पढ़ सकते हैं और एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 4, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट।
और ये जो कह सकते हैं यहाँ पर कि फॉर स्टूडेंट विदाउट आपका मैथमेटिक्स इन बीएससी, यानी कि ये पेपर रहेगा जिसके बायोलॉजी है उसको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैथ्स और बायो के दो पेपर है, तो अपोजिट को पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में आपको मैट्रिक्स एलजेब्रा भी पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस, यूनिट नंबर थर्ड इंटीग्रल कैलकुलस, यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो आपको ये बुक्स स्क्रीन पर शो हो रही है, 1 एंड 2 अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये बुक्स भी हैं, आप इनसे भी इनको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पेपर फोर्थ का पार्ट बी है ये, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट, फॉर स्टूडेंट विदाउट बायोलॉजी इन केमिस्ट्री। देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, यूनिट नंबर थर्ड लिपिड्स, यूनिट फोर्थ अमीन एसिड पेप्टाइड एंड प्रोटीन। यूनिट नंबर फिफ्थ न्यूक्लिक एसिड, और कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो 1 से लेकर 5 तक बुक यहाँ पे आपको सजेस्ट की गई है, आप इन बुकों से पढ़ के काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए अब प्रैक्टिकल सिलेबस देख लेते हैं अपन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव एंड आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, प्रिपरेशन रिकॉर्ड्स एंड वाई वाई, ये आपका 12, 12, 4 एंड 5 मार्क्स के मिलेंगे। और इसमें आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये वाले करने हैं यहाँ पर। प्रिपरेशन में ये मेथड प्रिपेयर करनी है आप लोगों को। सेमेस्टर फर्स्ट के ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव एनालिसिस 16 एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपका 8 नंबर का होगा, 4 नंबर का रिकॉर्ड और 5 नंबर का वाई वाई होगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ऑर्गेनिक प्रिपरेशन,
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री हमने आगे डिस्कस किया था कि फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अलग अलग मार्क्स के 3 प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे इसमें आपके। एरर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, केमिकल काइनेटिक्स 9 नंबर, सॉल्यूशन 8 नंबर, रिकॉर्ड्स 4 एंड वाई बाय 5 मार्क्स। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती है बहुत सारे कॉलेजेस में। बहुत सी बार क्या है कि नए नए एडिशंस लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं हो पाते, तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, हो सकता है लाइब्रेरी में भी मिल जाए, ऑनलाइन भी मिलती है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए भी ये बुक्स आपको यहाँ पर मैंने सजेस्ट की है, तो आप इन बुकों से भी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हमने अभी तो देखा फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से पेपर होंगे और थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्या होगा, चलिए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस और पेपर। देखिए, मार्क्स तो वही रहेंगे आपके 10, आपका 40+10, यानी कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था वही। और यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी पेपर की, तो आप चॉइस कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में आकर, देन थर्ड सेमेस्टर में आकर चॉइस कर सकते हैं आप। और सबसे पहले आपका पेपर नंबर फर्स्ट जो कंपलसरी है, पेपर नंबर सेकंड भी कंपलसरी, पेपर नंबर थर्ड भी कंपलसरी। पेपर नंबर फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड फोटो केमिस्ट्री, एंड कंपलसरी पेपर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आ जाता है आपका जो यूनिट नंबर 4 एंड 5th, एनी टू, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। अब आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं, यानी आपको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री चुननी है, पॉलीमर्स चुनना है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री चुननी है, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुननी है, केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल से चुनना है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज में कौन सा पेपर पढ़ाया जा रहा है या कौन से पेपर वहाँ पर आपको मिलेगा टीचर, या फिर आप आपकी चॉइस से भी ये पेपर चॉइस कर सकते हैं ना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यानी यूनिट नंबर जो पेपर नंबर 4th एंड 5th है, इनमें से 2 में से आपको एक चुनना होंगे, राइट गाइस। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ठीक फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री 33, 33, 34, और ये भी सेक्शन आपके 350 मार्क्स का होगा। चलिए सबसे पहला सेमेस्टर आपका थर्ड है, एमएससी केमिस्ट्री है, और पेपर नंबर फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चलिए इसमें जानते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट नंबर सेकंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट नंबर थर्ड इलेक्ट्रो, यानी कि आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट नंबर 4th न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड, एंड यूनिट नंबर 5th मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा ये पूरा पेपर, तो देखिए यहाँ पर ये बुक्स जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन के द्वारा ही सजेस्ट की गई है। आप इतनी सारी बुकें हैं, आप कोई सी भी बुक से स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, तो वहाँ से भी आप इन बुकों से जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की काफ़ी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। सेमेस्टर थर्ड और पेपर नंबर सेकंड है आपका फोटो केमिस्ट्री, देन ये भी कंपलसरी पेपर है। सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यूनिट नंबर सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट मैकेनिज्म, यूनिट नंबर थर्ड फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, एंड फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स,
यूनिट फोर्थ, देन यूनिट फिफ्थ, सॉरी यूनिट नंबर फोर्थ, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अब ये आपको कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए, तो ये बुक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रही है, 1 से लेकर 6 बुक है फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए, फोटोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, आप इन बुकों से फोटोकेमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, और ये है आपका वही केमिस्ट्री MSc 3rd semester, ये भी कंपलसरी पेपर है। देन इस पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, देन ये भी 50 मार्क्स, इन्हें 40+10 50 मार्क्स। सबसे पहले एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, और यूनिट नंबर जो 1 है काफ़ी बड़ी लग रही पर बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पेपर भी बहुत अच्छा आता है इसका, मतलब ईजी है। यूनिट नंबर 2, एयर पोल्यूशन, एसिड ड्रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्बन एरिया जो सॉरी अर्बन एयर पोल्यूशंस, ये होते हैं पूरे यूनिट। यूनिट नंबर 3, एक्वेटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पोल्यूशन। यूनिट नंबर 4, इन्वायरमेंटल टॉक्सोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, सॉयल एंड आपका इन्वायरमेंटल डिजास्टर। और कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये बुक्स यहाँ पर आपको शो हो रही है, आप इन बुकों से जो है बहुत अच्छे से इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो और काफ़ी नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर जो 4th है, वो है ऑप्शनल, है ना, 4th एंड 5th, ठीक, ये 4th एंड 5th, इसमें से कोई भी आपको 2 पेपर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना आप चाहें तो ये कोई भी 2 पेपर जो आपको सटीक लगते हैं, जो आपको ठीक लगते हैं, यानी कि ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। चलिए जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं, हम सभी का सिलेबस देखेंगे। ये ऑप्शनल पेपर है आपका ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, और चलिए सबसे पहले इसमें यूनिट नंबर 1, एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। यूनिट नंबर 2, ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। यूनिट नंबर 3, ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यूनिट नंबर 4, होमोजिनस कैटालाइज। यूनिट नंबर 4, और कौन सी बुकों से पढ़ेंगे, तो ये बुक्स यहाँ पे आपको शो की गई है, 1 से लेकर 4 तक आप इसे ऑर्गेनोमेटलिक जो केमिस्ट्री है वो पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। अगर हाँ आपने 3rd semester MSc chemistry में पॉलीमर्स को चूज़ किया है, यानी पॉलीमर वाला पेपर चूज़ किया है, तो पॉलीमर वाले पेपर के लिए आप ये वाला पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन बताना पॉलीमर्स का। यूनिट नंबर 2, पॉलीमर कैरेक्टर्स के बारे में बताना, पूरा कैरेक्टराइजेशन है इसके अंदर। यूनिट नंबर 3, एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। यूनिट नंबर 5, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स।
यूनिट नंबर 5 स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मूला। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा पॉलीमर को, तो ये बुक्स यहाँ पर आपको शो की गई है। आप पॉलीमर्स के लिए इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स NH रेकी ले सकते हैं, अलग अलग एडिशन अलग अलग राइटर है, तो आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको ये बुक्स कहीं नहीं मिलेगी, कोई सजेस्ट नहीं कर पाएगा, और मैंने आपको सब बुक्स सिलेबस प्लस बुक्स बताई है। और आपको ओल्डेस्ट पेपर चाहिए थर्ड सेमेस्टर की, तो वो भी अवेलेबल है, तो आप चैनल पर जाकर जो प्ले लिस्ट है उस पर देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने डिटेल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को चूज़ किया है यहाँ पर यूनिट नंबर जो थर्ड है सॉरी पेपर नंबर आपका जो सेमेस्टर पेपर सेमेस्टर थर्ड में पेपर नंबर जो फोर्थ एंड फिफ्थ में अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को चूज़ किया है, तो उसमें सबसे पहले यूनिट नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। यूनिट नंबर सेकंड नॉन एरोमेट्रिक हेट्रोसाइकल्स। यूनिट नंबर थर्ड स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स। यूनिट नंबर फोर्थ मीसो आयनिक हेट्रोसाइकल्स एंड सिक्स मेंबर हेट्रोसाइकल विथ वन हेट्रो एटम। देन यूनिट नंबर फिफ्थ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ बोरोन। चलिए, कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए आपको ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो आप इन बुकों से जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चॉइस किया है, तो चलिए देखते हैं हम इसका सिलेबस। कॉन्सेप्ट इज इन आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल एमओ एंड वैलेंसी बॉन्ड वीबी यानी थ्योरी वीबीटी थ्योरीज। यूनिट नंबर सेकंड क्वांटिटेटिव आपका एमओ थ्योरी। यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टिविटी। यूनिट नंबर फोर्थ एसिड बेस इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स एंड कैटालिसिस। यूनिट नंबर फिफ्थ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी। और कौन सी बुकों से पढ़ना है यहाँ पर, तो इन्हीं बुकों से पढ़ना है आपको, ये बुक्स पढ़ सकते हैं। और भी आप बुक्स टीचर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं तो ये बुक्स भी बहुत अच्छी है, आप इन बुकों से जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स चॉइस किया है, ये वाला अगर ऑप्शन चॉइस किया है, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको मल्टीफेज मटेरियल, यूनिट नंबर सेकंड लिक्विड जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके बारे में, यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना पड़ेगा आपको पॉलीमरिक जो मटेरियल्स होते हैं आइसो कंडक्टर्स होते हैं आयनिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में, यूनिट
थर्ड नंबर फोर्थ हाई टीसी मटेरियल्स, ऑल यूनिट नंबर फिफ्थ है आपका मटेरियल्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस। इन बुकों से जो है आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब थर्ड सेमेस्टर का हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल का सिलेबस जान लेते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ थ्री कंपाउंड्स मिक्सचर 12 मार्क्स का, और क्रोमेटोग्राफ्स जो सेपरेटर होता है ग्राफिक जो सेपरेटर 12 मार्क्स, रिकॉर्ड 4 मार्क्स एंड आपका वाईवाई 5 मार्क्स का होगा। तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं जो आपको लगातार स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा जो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। सेमेस्टर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाँ ये जो पूरा सिलेबस है वो 2015-16 के अकॉर्डिंग दिया गया है, बट अभी भी यही सिलेबस चल रहा है विक्रम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आप DAVB से हैं तो वहाँ पर भी यही सिलेबस जो है फॉलो हो रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है ऑल ऑफ MP में चलता है। तो आप चाहें BU से हैं, अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप केमिस्ट्री में MSc कर रहे हैं तो यही सिलेबस सब जगह अभी तक चल रहा है। और प्रैक्टिकल जो थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडक्टोमेट्री है और रिकॉर्ड 4 एंड वाईवाई 5। सजेस्ट द बुक है यहाँ पे, इन बुकों से आप प्रैक्टिकल को भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए या नहीं जाएं। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।